दमोह में राय परिवार के ठिकानों पर छापामार कार्रवाई करके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम भले ही वापस चली गई हो, लेकिन इसके बाद भी राय परिवार के यहाँ छापे की चर्चाएं सरगर्म हैं। खासकर अब राय परिवार के मुखिया शंकर राय के द्वारा जिस तरह का जो बयान दिया गया है, जिसमें उनके द्वारा कहा गया है कि उन्हें इस तरह के छापे का पिछले 10 साल से इंतजार था तथा उनके पास से जो कुछ पकड़ा गया है सब लीगल है, ऐसे में सवाल यही उठता है कि आखिर राय परिवार के मुखिया को पिछले 10 सालों से इस तरह के इस छापे का क्यों इंतजार था। और मुझे इस छापे का 10 साल से इंतजार था। एक आईटीओ साहब थे, मैंने उनसे कहा था कि दमोह की जनता भी परेशान है और मैं भी परेशान हूँ कि आप मेरे यहाँ छापा लगाएं, जिससे हमारा भी टेंशन ख़त्म हो जाए और लोगों को सही हकीकत छापे के बाद लोग भी शहर के अवगत हो जाए। मैं उनको अपने आपसी बयान में ये कहा कि आज छापामारी कार्रवाई से मेरा परिवार और मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी प्रशंसा की बात है कि मेरे यहाँ छापा लगा तो मैं आज लोगों के आरोप आयकर के आरोपों से मुक्त हो गया। मेरे यहाँ कोई भी हथियार या सवाद या गोल्ड सब लीगल पकड़ा गया। मेरा यहाँ 3.5 किलो सोने की जब्ती हुई थी, जिसमें मेरे को 2.5 किलो सोना एज ए रूल उन्होंने वापस कर दिया है। मेरे यहाँ से सिर्फ 1.25 किलो सोना वो सीज करके ले गए हैं। वो सोना भी हम आगे केस चलेगा तो मुझे मिलेगा, क्योंकि वो मेरे पिता और मेरी माँ ने सब 5 भाइयों को उनके जेवरात और सोना माँ ने गिफ्ट किया था। छापा 4-5 दिन बाद लगता तो मेरे घर में शायद ही है 25-30 लाख मिलता, क्योंकि मुझे 15 दिन में 3 करोड़ की आबकारी की किस्त भरना पड़ती है। वो 15 तारीख तक लिमिट रहती है, 15 माह में 2 बार हमें आबकारी का पैसा चुकाना पड़ता है। और जो थोड़े 6 तारीख को हो गया, 15 तारीख के बाद लगता तो शायद ही 1 रुपया नहीं मिलता। और मेरे यहाँ रोज़ की आवक भी 10 लाख रुपये, दारू की जो मेरी किस्त है वो 13 लाख रुपये की है। पर डे मुझे किस्त 13 लाख की देना पड़ती है, इसलिए दुकान से 12-13 लाख रुपये, 10 लाख रुपये पंप से और बाकी बसों से आते हैं। तो मेरी आवक रोज़ की 15-16-17 लाख रुपये रोज़ की है, तो 10-15 दिन में वैसे ही वो करोड़ों हो जाए। आपने सुना, यदि यह छापा 4 दिन बाद पड़ता तो शायद इतनी रकम आयकर विभाग के अधिकारियों को नहीं मिलती, क्योंकि शंकर राय का कहना है कि अधिकांश पैसा शराब के ठेके का था और उनको 15 तारीख को किस्त भरनी पड़ती है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह भी उठता है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की टीम जो पैसा उनके यहाँ से जब्त करके ले गई है, यदि वह शराब का पैसा है तो शराब का ठेका तो किसी और के नाम पर है, फिर पैसा यह इनके घर पर कैसे रखा था।